उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने धर्मांतरण पर कहा कि धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया बहुत सख्त है। कोई भी किसी व्यक्ति को जो जबरदस्ती किससे धर्मांतरण नहीं करा सकता है और गलत नियत के साथ धर्मांतरण करवाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोग जो कि सुयोजित ढंग से धर्मांतरण करवाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी की जाए। उन्होंने बताया कि गेमिंग ऐप के माध्यम से जो लोग धर्मांतरण करवाते हैं इस संबंध में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लंबा नेटवर्क पकड़ा गया सर, किस तरह से गिरफ्तारी हुई और कितना लगातार? देखिए, धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया काफी सख्त है और कोई भी व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती के साथ और एक गलत नियत के साथ अगर वो धर्मांतरण कराता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत कल एसटीएफ में 3 और व्यक्ति भी पकड़े गए। साथ ही साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं इस तरह के लोग जो कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराते हैं उनके विरुद्ध उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। सर, गेमिंग ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गाजियाबाद में बच्चों को भी ऐप के माध्यम से धर्मांतरण के लिए बहलाया जा रहा है, क्या जी? गेमिंग ऐप के तहत बच्चों को बहला फुसला के धीरे धीरे एक धर्म विशेष की तरफ ले जाना और एक ये सुनियोजित साजिश के तहत चीज़ें की गई हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र से जो मुख्य अभियुक्त था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और इस कड़ी में जो आगे के लोग हैं उनके विरुद्ध भी हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई करते हैं।